मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित भग्गूडाना शंकर नगर क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मकान से तीन लोगों के शव बरामद हुए। इन तीनों शवों में एक पुरुष का शव और दो महिलाओं के शव है। सूचना मिलने के बाद क्षेत्रीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। तीनों मृतकों की पहचान नंदू मालवीय, फुलवा और गीता के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक नंदू टिम्बर व्यापारी है, जबकि फुलवा नामक महिला उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी। तीसरी मृत महिला नंदू के घर काम किया करती थी। इन तीनों की हत्या किसी धारदार हथियार से किए जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। अभी तीन डेड बॉडी मिली है, गंज थाना क्षेत्र में आता है। उसमें मृतक का नाम किशोर मालवी है और साथ में दो महिला भी है। ये तीनों डेड बॉडी अभी हम एफएसएल परीक्षण कर रहे हैं और फिंगरप्रिंट भी हम ले रहे हैं। आरोपी कौन है इसके सारे जांच चल रही है। हमने क्या आपको पता चला किस तरह से ये हुआ होगा, किस पर शक है आपको? अभी शक तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अंदर कोई पोजीशन कुछ पता ही नहीं है। क्या करते थे आपके भाई यार ये महिलाएं, इनके साथी ये कौन थी? मेरा भाई फैक्ट्री चलाता है, रिम्पल स्ट्रीट की फैक्ट्री हमारी। जी सही। और ये जो दो महिलाएं जो उनके साथ में रहती हैं, पता चला वो एक तो उनके काम करने वाली भाई है। और देखा तो कुछ भी नहीं है हमने, अदर लोगों से मतलब जानकारी मिली तब हम आए और फिर देखा हमने कि ऐसा ऐसा हुआ है। क्या हुआ है? दो लोगों का मर्डर हुआ है। अब वो किसने करा है वो तो हमको नहीं मालूम। दो लोगों में कौन कौन? एक मालवी जी है, नंदू मालवी जी करके, और एक उनकी मिसेस, दो लोगों का हुआ है। कुत्ते को भी मारा है? इतनी तो जानकारी नहीं है, पर उनका कुत्ता था, पर आज वो कुत्ता भी नहीं दिखा है हमारे को, तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि उसका भी हुआ हो। तो कब से बंद थे दरवाजे? दरवाज़ा तो आज मॉर्निंग से खुला नहीं है, क्योंकि कल मॉर्निंग में उन लोग को देखा था मैंने, उनकी नौकरानी और उनकी वाइफ को देखा था मालवी जी के, और जब से मतलब उनको देखा भी नहीं है और बात भी नहीं हो पाई। जेएसआर टाइम्स के लिए बैतूल से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट।